और पाप में उपेक्षात्मक भाव, उससे उपेक्षा करो उसके पापाचार से। दर्शन में तो जीवन जीने की पद्धति है जी, तभी उसका नाम दर्शन परा है, दृश्यते अनेन, जिसके द्वारा जीवन को समझने, जीवन के रहस्यों को समझने, रहस्यों को अपने जीवन में घटित करने के सारे प्रकार मिले, उसको दर्शन कहते हैं। दृश्य धातु में ही लुट पड़ते लगने से दर्शन बनता है, जो जीवन जीने की सारी पद्धतियां हैं उसमें। आइए, उराही राह से चला जा रहा, जैसे बुद्ध की निगाह थी बूढ़े को देख करके, रोगी को देख करके, मुर्दा को देख करके उसके अंदर वैराग्य भर गया और सब कुछ छोड़ करके चल दिया वो। यही बौद्ध दर्शन के प्राण हो गए चत्वारी आर्य दश सत्यानी, दुख, दुख निरोध मार्ग, दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, निवारण का उपाय है, यही चत्वारी आर्य सत्यानी बौद्ध दर्शन के प्राण है। का रोग है सब, दुख है बूढ़ा होना, रोग लगना, मर जाना, कारण क्या है तो वासना। बौद्ध दर्शन में जन्म मरण के कारण को वासना समझाए, वासना ही जन्म मरण का कारण है, दुख का कारण यही है। वासना है तब शरीर जन्म लिया, दुख का अध्याय शुरू हुआ, बूढ़ा हुआ तब दुख, रोग हुआ तब दुख। बुद्ध लोग कितने होते हैं, बूढ़े को तो सब देखते हैं, मजाक कर लेगा वो। बुद्ध ने बूढ़ों को देख करके, रोगी को देख करके मजाक नहीं, केवल प्रेरणा लिया उससे। सेव गिर गया तो सेव को भमोरने नहीं लगा न्यूटन, वहीं गौर किया कि ऊपर भी जगह थी, उससे ऊपर कहीं गया, नीचे क्यों आया, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। उसी तरह से अपनी अंतिम बात पर चर्चा कर रहा हूं, यहीं विराम दूंगा। एक राही चला जा रहा है, वही दृष्टि थी उसकी कि बाहर जब आंखें खोलो तो चराचर की अच्छाइयों को देखो। आप सभी लोग उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। उराही एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, प्रचंड धूप थी, छाया चाहिए थी उसको, पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसी समय पेड़ की डगाल से पीले पीले पत्ते गिर रहे हैं। हम लोग क्या करते उसको, पहले तो हम लोग धधका करके आगे ताप लेते उसको, ईंधन मिल गया, धधकाओ, आग तापो, जार भगाओ, या नहीं होता सब बटेर उटर करके उसी के सिंहासन बनाते, उसी बैठते, नहीं तो पलंग बना के उसी पर सोते, और क्या करोगे पूरे पीले पत्ते से। राही जो था बैठा हुआ, उस गिरते हुए पत्ते से एक ध्वनि सुनाई पड़ी उसको, इतना साफ दृष्टिकोण उसका, इतना गुणग्राही आदमी वो, जो पीले पीले पत्ते पर गिर रहे थे, गिरते हुए पेड़ों के पत्तों से एक ध्वनि सुनाई पड़ी उसको। वो गिरते हुए पीले पत्ते कहते हैं कि ऐ राही, एक दिन बड़ी हरियाली थी हम, हरियाली लिए ही पेड़ के डगाल में हम झूमते थे, बड़ा आकर्षक रूप था हमारा, ये राह चलते हमारी हरियाली को देख करके, पेड़ के डगाल में हमको झूमते देख करके, लोग खड़े होकर एक टक देखते थे। संसार परिवर्तनशील है, इसका संसार नाम सर तो धातु है, सं उपसर्ग है, संसार का मतलब होता है सम, सम्यक सरतीति संसारा, जो सम्यक रूप से निरंतर ससरता जाता हो उसका नाम संसार है, रूपांतरित होता रहता हो संसार है उसका। वो हरियाली लिए पत्ते पेड़ की डगाल में झूम रहे थे, प्रकृति के नियमानुसार वो हरापन चला गया, पीलापन आ गया, अब उसके तरफ कोई नहीं देखता है। गिरते हुए पीले पत्ते ने कहा कि राही, अभी तुम्हारी बनी ठनी चमा जवानी है, काले घुंघराले बाल हैं, तुमको भी बड़ा गर्व होता है, तुम्हारी तरफ लोग भी आकृष्ट होते हैं, चिंता मत करना, तुम्हारे भी काले घुंघराले बाल सफेदियां बदलेंगे, कि भंवर उड़ जाएगा, बुगला करके बैठ जाएगा। आज जो बनी ठनी चमड़ी है ना, पकाया हुआ टमाटर की तरह झुर्रीदार हो जाएगा, तुमको अपने भी अच्छा नहीं लगेगा, और लोग देख करके आंख मोड़ लेगा उधर, एकदम एक हमारी तुम्हारी स्थिति एक सी है। एक प्रेरणा तो उसको ये मिल गई शरीर की क्षणभंगुरता का, परिवर्तनशीलता का,
और दूसरी ध्वनि उसको सुनाई पड़ी, इस पेड़ को पादप कहते हैं। पादप माने पैर से पीने वाला। द्विप हाथी, द्वाभ्याम मुखसुंडाभ्याम पिबती थी द्विप। हाथी सूंड से पानी को पहले खींचता है तब तो मुंह में डालता है, इसलिए उसका नाम द्विप हो गया है। दो से पीता है, सूंड और मुंह दोनों से। ये पेड़ को हम लोग पादप कहते हैं कि पेड़ की सारी जड़ें धरती में फैली हुई हैं और धरती से पोषक तत्व लेकर के बढ़ती है, मुटाती है, पल्लवित पुष्पित फलित होती है। उस पीले पत्ते से दूसरी ध्वनि आई, ऐ राही, देखो इस पेड़ की सारी जड़ें धरती के अंदर है और धरती से रस लेकर के बढ़ती है, मुटाती है, पल्लवित पुष्पित होती है। इसलिए पेड़ ने कहा अपने अंग पत्ते से तुम गिर करके और धरती में खाद बन जाओ, कुछ भी तो रिटर्निंग हो, तुम सड़ करके खाद बन जाओ। अगर एक तरफा धरती से हम रस लेते रहें और उसको कुछ लौटाए नहीं तो इस सरसा धरती निरसा हो जाएगी। इतना बड़ा त्याग। अब उस राही सोचता है कि हमारी जवानी भी जाने वाली है, ये खूबसूरती जाने वाली है और हमारे ही जीवन की सारी नसें इसी समाज के गर्भ में। दुनिया का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। माता पिता से लिए हो कि नहीं सहयोग? आप इस समाज के लोगों ने आपको चलना बोलना सिखाया है कि नहीं? अब वो दशा में जीवनोपयोगी सारी वस्तुओं का उत्पादन करके समाज दिया कि नहीं आपको? कितना बड़े ऋणी हो इस समाज का। पेड़ ने अपने पत्ते से कहा तुम गिर करके धरती में खाद बन करके इस धरती को सरसा बना दो। उसी तरह से मेरे भाइयों तुम भी माता पिता से खुराक लिए हो, अपने जीवन के पोषण में संवर्धन में माता पिता से सहयोग, समाज के लोगों से सहयोग लिए हो। रामनेश त्रिपाठी ने इसलिए कहा था कि जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा सम नीर समीर पिया है, उस माता पिता के प्रति, उस समाज के प्रति, देश के प्रति तुम्हारे अंदर कोई दायित्व है कि नहीं? माता पिता की सेवा लौटाओ, समाज की सेवा लौटा दो। जिस देश की धरती पर जन्म लिए हो, खाए हो, खेले हो, पढ़े हो, लिखे हो, आरक्षण लेकर के समग्र विकास कर रहे हो, देश की अखंडता, उसकी स्वाधीनता, उसकी बाह्य अभ्यंतर शक्ति को अक्षुण बनाए रखना राष्ट्र धर्म है। लौटाओ ही राष्ट्र की जिम्मेदारी को, नरक मत बनाना इसको कोई आदमी, इस सरकार के विचार के निर्देश के चपेट में मत आना। आप लोग जनतंत्रवादी देश के लोग हो, मधेपुरा का क्षेत्र तो बुद्धि का बटलो ही है, एक जगह इतनी बुद्धि, इतना बुद्धिमान आदमी भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलता है। अपनी बुद्धिमानी का परिचय दो। अगर आपकी सरकार कहती है कि प्रखंड में दो शराब की दुकानें हो, पंचायत में दो शराब की दुकानें हो, थोड़ी सी छूट मिलने पर किराना के हर दुकान में शराब का प्लोथिंग मिलता है, पतन का सबसे बड़ा कारण है। अगर देश की मर्यादा चाहते हो, समाज की स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हो, अर्थव्यवस्था चाहते हो, चारित्रिक व्यवस्था चाहते हो, तो कम से कम मीटिंग करके भ्रष्ट सरकार के पास एक सूचना भेज दो कि तुम अपने यहाँ शराब की दुकान खोल करके उसी में डुबकी लगाते रहो। हमारे प्रखंड में, हमारे पंचायत में, हमारे रघुनाथपुर की धरती पर एक भी शराब की दुकान नहीं होगी, एक भी आदमी शराब पीने वाला नहीं रहेगा। इस संकल्प आज लेने का समय आया है। लोग नरक में जा रहा है, आई वोट बैंक बनाने वाले ये भ्रष्ट नेता लोग हैं, किसी तरह से वोट का बैंक मिले, शराबी को छूट दिया क्योंकि विशेष श्रव्य है। अब वो अगर कहीं कटौती करे ऐसे चित हो जाएंगे हम, तो उसके लिए शराब की दुकान चाहिए। कुछ गैर शराबी भी लोग हैं तो कभी कभी बीच में ये भी नारा लगा दिया, शराब निषेध, मने शराबी गैर शराबी कोई पिछड़े नहीं हमारा सा। इन नेताओं को समाज की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है। ये कुर्सी का जो खटमल बना हुआ है, ये कुर्सी के फाट से हमको निकलने नहीं पाए, वोट बैंक बना रहे, चाहे देश समाज में हम न जाए तो जाए। ऐसे नेताओं से सावधान भी रहने की जरूरत है। तो देश हित में, समाज हित में, परिवार हित में, अपने हित में काम करो। और उसके लिए एक ही नियम कि बाहर जब देखो तो अच्छाइयों को देखो और जब आँख बंद करो तो अपनी बुराइयों को देखो।
अपने जीवन की बुराइयों को निर्गत करो, सारी बुराइयों से तुम्हारा जीवन मुक्त हो जाए। अब उत्तरोत्तर अच्छाई को देखते रहो, सभी पुरुषों को देखते रहो, जिससे अच्छा बनने, चरित्रवान बनने, बुद्धिमान बनने, विद्वान बनने, साधक साधिका बनने की तुमको निरंतर प्रेरणा मिलती रहे। इतनी सावधानी से अगर जीवन जिए, मैंने अपनी बात शुरू की थी, इस सारी चीजें आ रही हैं, ये अनपेक्षित अवस्था है, उसका एक मूल कारण है असावधानी। हमारे भारतीय वेदांत शास्त्र में एक शब्द आता है कि सारे दुख सारे बंधन का मूल कारण असावधानी है। इस असावधानी का विश्लेषण मैंने नहीं किया, आगे आने वाले सत्र में अगर दिमाग उस सूत्र पर भी जाएगा तो जिसकी बहुत उपयोगिता है समाज में, जो बहुत समाज के लिए बहुत उपयोगी है, सारे भाई बहन होश में जिए, उसी को हम ध्यान कहते हैं, उसी को होश कहते हैं, उसी को सावधानी कहते हैं, ये सब समानार्थक। ध्यान में जीना, अपने आप में जीना, ध्यान का मतलब ही होता है अपने आप में मौजूद होना, सावधानी का मतलब होता है अपने आप में मौजूद होना। जहां आपका चिंतन चल रहा है वहां आपका होना, जहां आपके वचन चल रहे हैं वहां आपका होना, जहां शरीर से एक एक क्रिया चल रही है वहां आपका होना। अगर चिंतन वचन आचरण आपकी मौजूदगी में हो जाए, यहां कोई अनाचारी कदाचारी व्यभिचारी नहीं रहेगा। सारे लोग जीवन से गैर मौजूद हैं, यही दुख का कारण है। सब लोग सावधानी पूर्वक जीवन जिए। एक घटना, एक हमारे कॉलेज में एक महिला चली आई जो गया जिले की रहने वाली थी, उसने एक पुस्तक भी लिखी है, पुस्तक उसने भेंट चढ़ाई, कहा कि गुरुजी हम 6 वर्षों के का प्रवास करके रूस से आए, वहां के लोग बड़े कॉन्शस, वहां के लोग बड़े जागरूक, वहां के लोग बड़े सावधान हैं। कई उदाहरण उस महिला ने प्रस्तुत किए, कहा कि भीड़ भरी सड़क से हम सरकार गुजरे 6 वर्षों तक, आज तक किसी के शरीर में हमारे शरीर का टकराव नहीं, इतना सावधान आज। जो जहां है वहीं सावधानी में, जो जहां है वहीं होश में है, ध्यान में। का 6 वर्षों के अंतराल सड़क से जाते हुए किसी आदमी से हमारे शरीर का स्पर्श नहीं हुआ, इतने कॉन्शस लोग हैं वहां के, इतनी जागरूकता है वहां के लोगों में। जो होश में रहेगा सब कहे टकराएगा, हम लोग तो बेहोश रहते हैं, चल रहे हैं, कहीं देख रहे हैं कहीं, और टकरा गए किसी के शरीर में तो लाज श्रम तो है नहीं, आई एम सॉरी कहकर रह जाते हैं, कहीं भीख मांग लिया, कहीं क्षमा मांग लिया। अरे ऐसा काम करो रे भले आदमी, क्षमा मांगने की नौबत नहीं आवे। और जिस समय आपने क्षमा मांगी उस समय होश में हो जाओ, कि गलती का एहसास हो रहा है, यही होश होता चलने के समय, क्षमा मांगने का समय ही नहीं आता। हर समय बोलने में संयम, होश में, एक एक काम करना होश में, संपूर्ण जीवन और जीवन के व्यवसाय ध्यान में हो जाए। इसे कबीरदेव ने कहा था, ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान तो आंतरिक एक सजग अवस्था है, ध्यान करना नहीं, 24 घंटे ध्यान में होना, ध्यान एक तुम्हारे जीवन का कवच बन जाए, निरंतर होश में रहो। जो होश में हो जाएगा उसके हाथ से शराब का बोतल गिर जाएगा, एक बार होश माने की जरूरत है, कि फिर लंबा रूप ले लेगा विषय। तो मैंने कहा कि सावधानी इस सत्र का विषय था, होश जीवन का विषय था, ध्यान इस सत्र का विषय था। मैं विषयांतर में चला गया, ध्यान होश सावधानी का विश्लेषण मैंने ठीक से नहीं किया, जो बहुत आवश्यक है जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए। अगर 2-3 घंटे और समय स्वास्थ्य अनुकूल रहा, आज इस विषय पर हो सकता है कहीं देखने को नहीं मिल रहा हो, कहीं सुनने का समय नहीं मिला हो, इस मंच से घिसी पिटी बात तो कही नहीं जाती है, ये मंच तो लोगों की मानसिकता को टटोलता है, उसके बाद अपनी बात कहता है। सुन में कुल्हाड़ी चलाने वाला ये मंच नहीं है, क्योंकि समस्याओं से आज भाई बहनों का जीवन घिरा है, उन समस्याओं का निजात दिलाने के लिए, समस्याओं से त्राण करने के लिए, समस्या मुक्त करने के लिए सदगुरु कबीर विचार मंच है।
जितनी भूलें होती हैं असावधानी कारण, जितने दुख हैं असावधानी कारण, बंधन है असावधानी कारण। वेदांत दर्शन एक शब्द कहता है असावधानी, गैर ध्यान, गैर मौजूद।